यह मिनी स्विट्जरलैंड जिसको बोलते हैं ना, खजियार में। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने नहीं बेरा भाई कह रहा भाई का कदे मेरी सारी चाची मान लो चंबा नदी है, केन दी है। एक बार रमन क्या हुआ, होटल में गया। हाँ? इसके पास बेचारे को ना तो एटीएम ना पैसे। हाँ? अब इसके पास ऑप्शन दो। हाँ? अब इसने एक तो माना नहीं, फिर कहता मैं तो बर्तन ही धो लूंगा। बर्तन ही धो देगा। ये हमारे होटल से सीन देखो आप लोग, भाई साहब वादियों में देखे सारे होटल होटल भरे पड़े। आजकल पूरे सब पहाड़ में बना लागे, भीड़ में कहीं होटल नहीं बनाते आजकल, सब खुले खुले बना। और ये देखे शामी वो लाइन दिखा ना वाइट वाइट आप लोगों ने सारे के देखो, वो बर्फ की लाइन है पूरी। और कल की अपनी सुबह वहाँ बर्फ में ही होगी, वहीं जाना हमने उस पहाड़ों में ही। अरे हाय की मजा, वाह जी वाह, मजो आ गया मजो। मेरे कमरे की हालत देखो, सारा सामान छड़े मलंग है ना, कोई कितना पड़ा कोई कितना पड़ा है, कोई बेडा पड़े हैं, मतलब वो तो मस्त आ रहा क्या कमरे का गति। भाई रात ना तो लेट आए थे, अंधेरा था उस टाइम पर, होटल दिखा ना था हमारा। पर अब दिखाता हूँ कौन सा होटल था भाई, ये देखो। और वादियाँ में बिल्कुल, और सीनरी एक नंबर की दूर तक पूरी दिखा है। पहाड़ा में गाड़ी लेकर आओ तो भाई एक चीज जरूरी साथ में लेनी चाहिए, जरा हवा कम हो जाए, टंचर हो जाए कुछ ना, तो पंप जरूर लाना चाहिए भाई। ये देखो, अगर जो नहीं लेके आए तो ये नहीं पता आपको पिंचर की दुकान कितनी दूर मिलेगी, और फिर घूमते रहियो कि यहाँ दुकान मिलेगी यहाँ मिलेगी। 500 रुपये पिंचर का ले लें वो फंसी मार गए। एक दुकान नहीं मिली हमें। हाँ तो खजियार में तो हमने कहीं दुकान नहीं मिली, देख ले और अपना बनना पड़ेगा। रात ने देखो, रात ने हम यहाँ आए थे, रात ने इस पार्क में आपने कुछ नहीं दिखा था। यह मिनी स्विट्जरलैंड जिसको बोलते हैं ना, खजियार में। ये देखो अब भीड़, जो कि उस टाइम पर कोई भीड़ नहीं थी, अब भीड़ देखो, अब गाड़ियाँ की भी भीड़ होगी क्योंकि दिन में है आगे, दो दिन का ट्रिप यहाँ होती नहीं, एक ही दिन की यहाँ चलती है, एक ही दिन में बंदे मतलब आ जाते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। इसमें मतलब एक्टिविटी है, बाढ़ कपड़ा नून खेल लो बैट बॉल, पर इन्हें ये छोटी छोटी नाव छोड़ रखी है, थोड़ा पानी भरा है हैं, पर इन्हें वो भी हो गुब्बारा उड़ा गजा के तो गुब्बारा भी है, बाकी इन्हों बैठे रहे अपना सारे, पर इन्हें वे दौड़े दौड़े गुब्बारे भी दिखे दो दे, उसके मैं आदमी ने बाढ़ का कलावा दिखवा हुआ है। यो है भाई मिनी स्विट्जरलैंड, देख लो देखा कैसा मिनी स्विट्जरलैंड। संदीप सब्जी ले आया और मैं कुकर ले आया, एक कुकर में सब्जी बनाएंगे और अपनी पैक करा लेंगे, गई रस्ते में खाएंगे। अरे बोल देंगे आ जाएगा यहीं, कितने आ सब्जी कुकर अभी बनाएंगे। संदीप पाजी हमारे आगे आगे भाग रहे हैं खजियार में भाई। ये देखो प्राचीन खजनी नाग मंदिर, और ये अपने भोले का मंदिर, ये देखो, और ये प्राचीन सारा लकड़ी का बना हुआ है, सारा मंदिर लकड़ी का। अंदर से दिखाता हूँ, देखो सारा लकड़ी का बना हुआ है भाई। और ये नहीं है कि भाई ये देखो कि आपने महंगे रेस्टोरेंट में खाने हैं, सस्ते रेस्टोरेंट में भाई, और खाना भी बढ़िया है। ये देखो कल हम वहाँ उसमें ये महंगे हम बढ़ गए खाम खाई, रेट इतना हैवी, टेस्ट कुछ नहीं। और ये देखो, और देसी और रेट भी जायज बिल्कुल।
अब हम खजियार को यहाँ से छोड़ते हैं, बहुत देर होगी है खजियार में बैठे बैठे यहाँ पे। भैया जी आप उठा लो, थक गए हैं सच पास की तरफ, ताकि कुछ सफर कम हो गए। यहाँ हो गया दो दिन और यहाँ पर ड्रोन शॉट ले नहीं सकते, वह ड्रोन शॉट लेने थे वो कह रहे हैं कि यहाँ नहीं अलाउड नहीं है जी, क्योंकि ऊपर एयरफोर्स है। दिखाता हूँ देखो कहाँ बैठी एयरफोर्स, वो ऊपर पहाड़ी दिख रही है ना, छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, तो वहाँ एयरफोर्स है, तो उसकी वजह से भाई सिक्योरिटी की वजह से आप उड़ा नहीं सकते इधर, मना है। बहुत टाइम हो गया भाई, तुम निकल लो एविन, कहाँ रह गया। यहाँ की बताई भाई, यहाँ पे जो जिस लोकेशन से हम जा रहे हैं ना, ये रास्ता बड़ा ही मतलब है, वहाँ से डलहौजी से भी जा सकते हैं सीधा, जिसको डलहौजी से जाना है, खजियार से जाना हो खजियार से भी निकल सकते हैं। पक्के पहाड़ आगे भाई, अब चंबा में जाने के लिए बहुत ही आगे, मतलब रोड है ना घने खतरनाक रोड है, एक तो रोड है ना इतना भीड़ा है कि दूसरी गाड़ी आगे तो आ गई तो आदमी रास्ता नहीं है मामूली से अभी निकलने का, आपने गाड़ी बैक लेके जानी पड़ेगी या साइड में कहीं लगा कर रोकनी पड़ेगी, तो हम अपनी दूसरी गाड़ी हाथ और बोल दे मैं, ताकि भाई गाड़ी ने रोक लेना है। भाई एक चीज का ध्यान रखियो, अरे पावर ही ऑन ना करी भाई, एक चीज का ध्यान रखियो, बातों में मत चलना, रोड बहुत ही डेंजर और भीड़ा रोड है, तो थोड़ा फोकस रखना रोड पे, ताकि आराम से चला जाए, कोई दुर्घटना ना घटे, दुर्घटना से देर भली। चंबा, चंबा घाटी, चंबल की घाटी नहीं चंबा, अरे यहाँ से रोड भी डबल शुरू हो गया, नहीं तो वहाँ दूर जाके दिखाते हो अभी भाई, नरे फ्लैट हटे तो, लेकिन है काफ़ी बड़ा शहर है चंबा, छोटा नहीं पाओगा भाई इस हिसाब से, तो है ना देखो बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा भाई, ये देखो कितना बड़ा है ये, और चंबा आने में हमें कुल पौना घंटा लगा है, 45 मिनट में आ गए, और टूटा हुआ रोड है फिर भी। क्योंकि अभी ना गए पता नहीं पेट्रोल पंप कहीं होगा या नहीं होगा भैया, आगे आगे पेट्रोल पंप है कहीं पे, आगे और भी पेट्रोल पंप है, हमें जाना है सच पास, पेट्रोल पंप तो आगे है नहीं, लेकिन रास्ता जरूर खुला है भाई, बोल रहा है भाई चलो और जाओ, वहाँ पहुँच के देखें रास्ता खुला भी है नहीं खुला है। मैं तो कह रहा हूँ मैंने नहीं बेरा भाई, कह रहा हूँ भाई का कदे मेरी सारी साची मान लो, चंबा नदी है कि नदी है यार, पर सुनिए कहते हैं ना कि हिमाचल में से चंबा नदी निकलती है, ये शायद वही होगी, चंबा शहर है तो चंबा नदी भी इसी का नाम होगा फिर तो। भाई अब यहाँ से तरबूज वरबूज खाना बड़ा मजा आ रहा है, तृप्ति होगी, मतलब अंदर क्या है जैसे पेट भर गया पानी की वजह से ऐसा हो गया, और लेकिन जो से तरबूज अपने वहां मीठे है ना वैसा तरबूज यहाँ नहीं था। जबरदस्त है, जबरदस्त जगह है, रोकी है लंडन किसी, रोकी है पता नहीं, देखते हैं भाई। Down.
सच पास सच पास कदे कदे तो मुंह तलक लिया चस पास कदे सच पास काशी है कितनी दूर है वो तीसरा दिन आज चलते हुए हमने वो सच पास नहीं आ लिया हाँ। और आज भी नहीं आवे क्योंकि वहाँ की एंट्री भाई चेक पोस्ट है रास्ते में एक तो उसमें बोलते हैं भाई आप 1 बजे से पहले पहुंच गए तो एंट्री है नहीं तो फिर नेक्स्ट डे। तो आज हमें वहाँ जाके कैंप कर लगाना पड़ेगा अपना कैंपिंग करेंगे तब जाके फिर सच पास या चस पास क्या नाम होगा भाई सच पास सच पास भाई 2 घंटे से ऊपर 2 भी नहीं 3 2.5 घंटे हो गए चलते चलते एक टी ब्रेक लेना छोटा थोड़ा शरीर में सुस्ती हो रही है जल्दी थोड़ी चुस्ती आ जाएगी मिल जाएगी हाँ है चाय बन जाएगी ओहो अच्छा भाई है अपना बैठी बैठी चार बजे चार पांच चाय पीते अरे चाय किस किस को पीनी है कोई जवाब ही ना मतलब ऐसे पहाड़ों में ऐसी जगह चाय वाय पीना मिल जाते कितना मजा आ जाए यो अमृत लग गया है यही अमृत लगता है भाई एक नंबर की कैंपिंग की जगह मिली है ऐसी जगह मतलब इतनी जबरदस्त जगह मिली है आपने सुबह दिखाऊंगा अभी रात में थोड़ी बहुत दिखाऊंगा ऐसी बात नहीं लेकिन असली दिखाऊंगा सुबह जन्नत भाई कोई भाई आओ ना यहाँ पे सच पास में तो उसके लिए ये लोकेशन एक नंबर की है भाई कैंपिंग के लिए देखो बीच में एच भी लिख रखे हैं अब समझ गए होगे ना एच का मतलब क्या होता है भाई देखो अब लाइट की मैं रोशनी में ही दिखता हूँ आप लोगों ने अब यहाँ कैंपिंग होगी अपनी यहाँ पे अभी देखना सुबह जो भी ये ब्लॉग देखेगा ना भाई साहब वास्तव में ये लोकेशन इतनी खतरनाक मजा आ जाएगा होगी रेडी ए अपना सिलेंडर चालू हो रहा है देख लो ये पता है मेरा से क्यों खोल रहा और ये मैगी वैगी का सारी चीज सारी भाई किसा बनाएगा ये बता दे पहले हाँ जी लवरित भाई माल किसा बनाओ खाने का जो आप कहोगे बढ़िया ना पहले मेहनत करिए पूरी टेंट लगाने में तो माल भी बढ़िया बनना चाहिए ठीक है ना हाँ मेहनत सब कर रहे हैं ठीक है अरे मैं बैठ कर खाऊंगा तुमने बढ़ाया मैं खाऊंगा भाई ये एक टेंट अपना ये रहा एक टेंट अपना ये रहा भाई पार्टी चली कैंपिंग हेलो भाई मजो आ गया लोप्रीत बहुत मायो मजो आज खायो मुर्गो मुर्गो अरे पीछे देखो सब्जी बनने लग रही भाई हमारे दोनों भाई आज देखो दोनों लग रहे हैं जिन्होंने घर पे कभी कभी मतलब झूठे बर्तन भी नहीं उठाए होंगे और आज बेचारे लगे पड़े हैं क्या करे कर लिया था एक बार रमन क्या हुआ होटल में गया इसके पास बेचारे को ना तो एटीएम ना पैसे अब इसके पास ऑप्शन दो अब इसने एक तो माना नहीं फिर कहता मैं तो बर्तन ही धो लूंगा बर्तन ही धो देगा